तो याद रखिएगा इसी भारत की मिट्टी में एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उधम सिंह था। उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है, और लड़ते लड़ते अगर मर भी गए तो आने वाली पीढ़ी बदला लेने का साहस करेगी। लेकिन आज नक्शे में अलग ले लिया, संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, लेकिन अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो आज भी झारखंड में झारखंड के लोग कहीं नहीं दिखेंगे। कुछ नहीं किया है। हाँ, आपका काम यूपी वालों को अच्छा लगेगा, एक बिट्टा जमीन नहीं गया है तो यूपी वाले आपकी तारीफ करेंगे जो यहाँ कमाई कर रहे हैं। आपका तारीफ बिहार वाले भी करेंगे, टाटा अच्छा है, एक बिट्टा जमीन। आज झारखंड राज्य अलग किया गया, 24 साल होने को है। आज इस राज्य को अलग करने में अनगिनत झारखंड के लोगों ने अपना बलिदान दिया। चाहे आदिकाल में बिरसा मुंडा की बात करें, तिलका मांझी पोटो और रघुनाथ महतो की बात करें, शेख भिखारी की बात करें, ये झारखंड राज्य को अलग करने में जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी, शिबू सोरेन या निर्मल महतो, सुनील महतो की बात करें, जब से इतिहास को हम लोग जान रहे हैं, इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं, तब से लगातार हमारे लोगों की हत्याएं केवल इसलिए की गई ताकि लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के भूभाग में रहने वाले लोगों को इनका अधिकार मिले। आज झारखंड जो हमारे राज्य का नाम है, है जो हमारे राज्य का नाम झारखंड, है झारखंडर और माने झारखंडर मूल समस्या। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी जो दृश्य आप देख रहे हैं, एक तरफ सारंडा का जंगल, दूसरी ओर दलमा का पहाड़, कहीं पारसनाथ, कहीं झुमरा, कहीं लुगु बाबा का पहाड़, ये झारखंड की पहचान है। झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी पहाड़, ये झारखंड है। और खंड यानी खंड बने की जमीन का टुकड़ा, ये भूभाग, ये मिट्टी जिस मिट्टी में आप और हम बैठे हैं, ये मिट्टी जिस मिट्टी में हमारे बाप दादा खेती करते थे, ये मिट्टी जिसमें एक दिन हमको दफन हो जाना है। खंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यही झारखंड है। झाड़ यानी पहाड़ और खंड यानी जमीन, जंगल और जमीन, उसी के अर्थ को हम झारखंड कहते हैं। लेकिन आज नजर उठा के देखिए, आज नजर गड़ा कर देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक देख सकते हैं, कोयलांचल के धनबाद बोकारो से लेकर रांची के एचईसी हिटल को तक, वहां से लेकर आपको गमरिया आदित्यपुर से लेकर टाटा के साक्षी मांगो तक, आप जहां तक नजर गड़ा कर देखेंगे, हर जगह हमारे जंगलों को खत्म किया जा रहा है, हमारी जमीनों को खत्म किया जा रहा है। और जिस दिन हमारे जंगल और जमीन खत्म हो जाएंगे, हमारे रहने और ना रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए आज सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रेम मार्डी और अनिता दी के नेतृत्व में, मणि दी के नेतृत्व में, जो दीदी लोग आज 6 महीना 7 महीना जेल के भीतर रह के आए हैं। आज उनको हमने यही बात कहा, जब वे लोग हमारे पास आए तो हमने एक ही बात कहा कि आप जो करके आए बहुत छोटा है दीदी, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा पाएंगे। ये लड़ाई बहुत छोटी है। आज जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन जो 6 महीने 7 महीना जेल में रह के आई है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आप इतनी सी छोटी लड़ाई में खुश मत हो जाइएगा, इतनी छोटी सी लड़ाई में जश्न मत मनाइएगा, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़ा बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को हम चुनौती दे रहे हैं, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज हमारे सामने जो कंपनी खड़ी है, जमुना ऑटो, आज जमुना ऑटो एक मामूली उदाहरण है, ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। आज अगर आप पूरे झारखंड को आप घूमते हैं, खासकर कोल्हान, कोयलांचल और रांची को, ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों हजार कंपनियां आज झारखंड की मिट्टी में पदस्थापित है, आज झारखंड के लोगों का खून चूसने का काम करती है, झारखंड के लोगों का
का रास्ता खुले, कंपनी फैक्ट्री की स्थापना हो, लेकिन अगर आदिवासी और मूलवासियों की कब्र पर अगर कोई विकास नहीं होगा, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आज आपको कहना चाहेंगे, साथ ही हम जमुना ऑटो को चेताना चाहेंगे कि आप इस घमंड में मत रहिएगा कि आपकी कंपनी का मालिक दिल्ली में बैठता है, क्योंकि इनको घमंड होता है कि झारखंड के लोग किससे लड़ेंगे, हम तो दिल्ली में बैठ के कंपनी को देखते हैं। तो सुन लीजिए, जमुना ऑटो के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रबंधन के मालिक हैं, आप अगर दिल्ली में बैठते हैं या बम्बई में बैठते हैं, गलत अगर आप करेंगे तो याद रखिएगा, इसी भारत की मिट्टी में एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उद्धम सिंह था, उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। आप याद रखिएगा, जमुना ऑटो के अगर प्रबंधन तक मेरी आवाज जा रही है, तो अगर आप इस घमंड में हैं कि आदिवासी मूलवासी आपका क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि पुलिस को पैसा दे के खरीद लेंगे, तो याद रखिएगा, इस भीड़ में अगर एक बेटा तैयार हुआ ना उद्धम सिंह बनने के लिए, तो आपको दिल्ली में घुस कर हिंद का काम लेगा, इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल आज मैं कोल्हान की धरती से इस बात को साफ साफ कहना चाहूंगा, आज बेशक ये गांधी का देश है, इस देश को लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता है, खासकर ये कंपनी के लोग नहीं मानते हैं, ये आईएएस आईपीएस लोग नहीं मानते हैं, ये मिनिस्टर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, यानी कि अगर कोई संसाधन है वो हम सबों के लिए है, एक व्यक्ति की जेब भरने के लिए नहीं है। ये खुद नहीं मानते हैं गांधी के विचारों को, इसलिए आज हमें लगता है कि गांधी के देश में युवाओं को एक नई आंधी लेकर आना होगा, एक ऐसी आंधी लेकर आना होगा जिस आंधी में ऐसे बेमान लोग जलकर खाक हो जाए, हमें ये तैयारी करनी होगी। आज हमें कहते हुए बड़ा दुख लगता है, आज केवल आजादी के समय ही नहीं, अलग झारखंड भी छोड़ दीजिए, अरे झारखंड अलग मिलने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण 2007 है, जब हमारे अमर शहीद वीर सांसद सुनील महतो को 12 गोलियों से उनके सीने को छलनी किया गया था। हम कहां इस लोकतंत्र में हम अपने आप को कहां खोजेंगे, इस गांधी के देश में हम अपने आप को कहां खोजेंगे, हमारे लिए न्याय कहां है आप ही बताइए। अरे अंग्रेजों के टाइम लड़े थे ये समझ में आता है, वो अंग्रेज लोग, वो गोरे लोग परदेश नहीं विदेश के लोग थे, वो सात समंदर पार से आए थे, वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो हमारे जैसा कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारी हत्या हुई, और हत्या किसी इज्ञे दुग्गे की नहीं हुई, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हुई, इस जमशेदपुर के, इस कोल्हान के एक वीर, एक बब्बर से सुनील महतो की हत्या हुई, अब एक गोली नहीं 12 गोलियां दागा गया। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में हम न्याय कहां खोजेंगे, हम किस सरकारी दफ्तर में माथा टेकेंगे, आप ही बताइए, किसी के हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का, किस आईएएस आईपीएस का हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का, जब हमारे सांसद की हत्या हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया जाता है, तो हम कहां न्याय मांगेंगे बताइए, आप ही बताइए झारखंड वासियों, बताइए हम कहां न्याय मांगेंगे, किस चौखट में हम न्याय मांगेंगे, किस मंत्री के सामने अपना सर झुकाएंगे, हम कहां न्याय मांगेंगे हमारे साथ न्याय हो, जब संसद को लोग ये नहीं गिनते हैं, 12 गोलियों से उनकी हत्या हो जाती है, हम कहां जाएंगे, आम व्यक्ति हैं हम, बड़ी मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं तो परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं, हम किसके पास जाए फरियाद लेके, किस दरबार में जाए हम अपनी फरियाद लेके, कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा, आप ही बताइए कौन करेगा हमारी समस्याओं का समाधान, कौन करेगा हमारे साथ न्याय, आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा, इसलिए आज हम इस बात को कहना होगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को एक बार फिर से एक लंबे आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो एक दिन निश्चय हमारी जीत होगी।
आज जो हम इतना कर पा रहे हैं, आज जो इतना हम उनके सामने आंख से आंख मिलाकर भिड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने हिम्मत दिखाया था। अगर हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं दिखाते, अगर हमारे पूर्वज इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ते, तो आज और हम आप गुलामों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज हम इनसे आंख मिलाते हैं, हम जेल जाने से नहीं घबराते हैं, हम इनसे लड़ जाते हैं। कारण हमारे पूर्वज लड़े थे, इसलिए आज फिर से समय की मांग है कि अगर आज हम लड़े और लड़ते लड़ते अगर मर भी गए, तो आने वाली पीढ़ी बदला लेने का साहस करेगी। लेकिन आज अगर लड़ते लड़ते हमने घुटने टेक दिए, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। अभी हमको और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में पले या आजाद हवा में सांस ले। कि हमें और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। नहीं बताइए, आज आप पूरे झारखंड में बेशक 24 जिला है, लेकिन आज भी जिन्होंने झारखंड आंदोलन को नजदीक से देखा है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन पर किताबें लिखी हैं, जो झारखंड आंदोलन को समझते हैं, उनसे पूछिएगा, वो एक ही लाइन कहेंगे, असल में आंदोलन कोयलांचल और कोल्हान में ही हुआ था। बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको गिफ्ट में राज्य मिला है, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे हमारे जिले हैं जिनको उपहार में झारखंड मिला है, लेकिन असल लड़ाई कोयलांचल और कोल्हान, क्योंकि शोषण वहां था। यहाँ स्वर्ण रेखा की नदी है तो वहां दामोदर नदी है, और नदी का मतलब कंपनी का जगह, कंपनी का जाल में नहीं लगती है, कंपनी मरुस्थल में नहीं लगती है, कंपनी नदी के किनारे स्थापित होती है। तो यहाँ थी स्वर्ण रेखा नदी, और धनबाद बोकारो में थी दामोदर नदी। यानी जो लोग बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ लोग, जिनकी नजर थी हमारी धरती पर, उन्हें दो जगह बहुत भाया, एक स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। आज अगर अन्याय की बात करें, कहीं अगर सबसे ज्यादा है तो स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। इसलिए आज हमें ऐसा फिर लगता है कि अलग झारखंड में आज 24 वर्ष हो गए अलग झारखंड का, लेकिन आज भी हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं है। अभी एक दीदी आई थी, वो पीजीटी का किस्सा सुना रही थी, कोई जेएसएससी का किस्सा सुनाता है, कोई जेपीएससी का किस्सा सुनाता है। बताइए झारखंड किसके लिए बना था? आप ही बताइए कि झारखंड राज्य को अलग क्यों किया गया था? आखिर क्या उद्देश्य था इस राज्य के अलग होने का? क्या जरूरत थी हमारे वीरों को अपने रक्त की आहुति देने की, अपने गर्दन तक कटाने की? आखिर क्या जरूरत थी, अभी बताइए। आखिर हमने ये अलग झारखंड क्यों लिया? हम बिहार राज्य में हुआ करते थे, उससे पहले हम बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ एक साथ रहा करते थे। आखिर क्या जरूरत थी हमें अलग झारखंड बनाने की? क्यों हमने अलग झारखंड लेना मुनासिब समझा? कारण यही था कि जब हम लोग बिहार बंगाल उड़ीसा के साथ मिलकर रहते थे, तो हमारा मान सम्मान नहीं था, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था। इसीलिए हमने ये मांग किया कि हम आपके साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, आप अपनी एक बॉर्डर रेखा बनाइए, आप अपनी एक बाउंड्री वॉल बनाइए, और उस वॉल के बाहर आप रहिए, हमें हमारा अलग झारखंड राज्य चाहिए। आज हमने अलग झारखंड राज्य नक्शे से ले लिया। आज हमने बिहार जिले के, माफ कीजिएगा, बिहार राज्य के एक हिस्से को काटकर 46% भूभाग, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और उस समय 18 जिलों को काटकर हमने एक झारखंड राज्य अलग तो ले लिया, नक्शे में अलग ले लिया, संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, लेकिन अधिकार की अगर बात कीजिएगा, तो आज भी झारखंड में झारखंड के लोग कहीं नहीं दिखेंगे। आप चले जाइए, कहीं चले जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, टाटा में चले जाइए, उषा मार्टिन में चले जाइए, टिस्को में चले जाइए, आप जहां जाना है वहां झारखंड के लोग अगर मिलेंगे, तो या तो मजदूरी करते हुए मिलेंगे, या तो दरबानी करते हुए मिलेंगे, या तो चपरासी करते हुए मिलेंगे। आप बताइए कितने जीएम मिलेंगे, कितने जीएम है, क्या बताएंगे? भाई जमीन हमारी, आज टाटा जो इतना फल रहा है, फूल रहा है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, किसके कारण? हमारी जमीनें गई। कितने लोग जीएम बन के गए हैं झारखंड? क्या कोई आपके पास कोई डेटा है?
अरे आपके पास तो छोड़िए, इस देश के प्रथम, माफ कीजिएगा, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार किसी कार्यक्रम में आए थे टाटा जमशेदपुर। उन्होंने भी प्रबंधन से एक ही सवाल किया था कि आज 100 साल होने वाला है टाटा का, आपने झारखंड के कितने लोगों को वीसी बनने का मौका दिया? वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। यानी कितने लोग झारखंड के वाइस चेयरमैन बन पाए? ये मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल इस राज्य के प्रथम रहनुमा, जैसे देश के प्रथम रहनुमा राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ये सवाल इस राज्य के राज्यपाल का था कि आज तक 100 साल होने वाला है टाटा का, कितने झारखंड के लोग वीसी बने, एक रिपोर्ट हमें सौंपा जाए। एक लोग आज तक वीसी नहीं बन पाए, आज एक लोग हमारे वीसी नहीं बन पाए टाटा में। तो बताइए आपने कौन सा विकास किया? हाँ आपने विकास किया, कैसा विकास? कि आपने एक ढोल बजाया, वो ढोल सुनने में बड़ा मधुर लगता है, बड़ा मिठास लगता है, उस ढोल की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, सुनने वाले कहते हैं यार बड़ा सुंदर ढोल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस ढोल को बनने में चमड़ा का यूज होता है, वही चमड़ा झारखंडी का है। इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है, इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है। हाँ आपका काम यूपी वालों को अच्छा लगेगा, एक बिट्टा जमीन नहीं गया है तो यूपी वाले आपकी तारीफ करेंगे जो यहाँ कमाई कर रहे हैं। आपका तारीफ बिहार वाले भी करेंगे, टाटा अच्छा है, एक बिट्टा जमीन नहीं गया है, एक वो आदमी का मर्डर नहीं हुआ है उनका, तो तारीफ करेंगे। आपका तारीफ उड़ीसा वाले और बंगाल वाले भी करेंगे, क्या इनका एक बिट्टा जमीन नहीं गया है। झारखंडियों से पूछिए टाटा कैसा है, वो एक ही लाइन कहेगा, बेशक उसने दुनिया में नाम कमाया और नोट भी छापा है, लेकिन हमारी लाशों के ढेर पे छापा है। तो आज हम यही कहने आए हैं, आज हम यही कहने आए हैं, हिम्मत मत हारिएगा। हम मानते हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है जितना ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है, जितना इस पूरे दुनिया में पूरी सृष्टि में किसी के साथ नहीं हुआ है। अरे जितना रक्तपान चंगेज खान की तलवारों ने, सिकंदर की तलवारों ने, और उस समय के राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनकी तलवारों ने जितना रक्तपान नहीं किया है, उतना रक्तपान झारखंडियों का इन पूंजीपतियों ने, इन कॉर्पोरेट जगत ने किया है, इतना हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो बस दिल में हमारी एक ही, हम अपने दिल को एक ही तसल्ली देते हैं कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 33 साल की उम्र में खाली लौट कर गया था, बुरा वक्त इन टाटा 80 को उषा मार्टिन और एक ही यमुना ऑटो ने क्या है, इसका भी आएगा। हम उस इंतजार में बैठे हैं, हम उस इंतजार में बैठे हैं। आज जो IAS IPS हमसे आंख दिखा के बात कर रहे हैं, एक दिन उनकी वर्दी की गर्दी भी थमेगी, हम उस इंतजार में बैठे हैं। और बिल्कुल हौसला दे कर जाइएगा अपने आने वाली पीढ़ी से, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ कोई अमृत पान करके नहीं आया है, ये किताबों की बातें हैं, ये फिल्मी दुनिया की बातें हैं, रियल लाइफ में कोई अमृत पान करके नहीं आया है। बस अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है, हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, और उनसे जरूर कहिएगा हौसला रखना, इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी धरती में यानी भारत की, इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, भले वो 300 साल बाद गई, वापस लौटी की नहीं लौटी। ठीक है टाटा का भी 100 साल हुआ है, अगर ये अपने कार्य में बदलाव नहीं लाते हैं, अगर ये झारखंडियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये 100 साल का जो टर्म पूरा किया है, 150 साल आते आते इनका भी वही हश्र होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का हुआ था। देखते हैं कि आज ये अन्याय